The True Beauty is the poem that we are going to study today. आज हम लोग लेसन टू द ट्रू ब्यूटी नामक कविता का अध्ययन करेंगे और इसके पोएट हैं थॉमस केल। तो जो ये कविता है ये बड़ी ही संक्षिप्त कविता है, 12 लाइन की कविता है और इसमें दो चीजों का अध्ययन कराया गया है, दो चीजों के बारे में बताया गया है जो है। तो संक्षेप में इन ए वेरी नटशेल आई वुड लाइक टू टेल यू हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दिस पर्टिकुलर पोयम दैट इज वेरी मीनिंगफुल। टू मैटर्स हैव बीन डिस्कस्ड हियर, दो बातें इसमें बताई गई हैं। एक बात तो पहला स्टेंजा में जो 6 लाइन का है उसमें ये बताया गया है कि शारीरिक सुंदरता या भौतिक सुंदरता क्या होती है और दूसरे स्टेंजा में आध्यात्मिक सुंदरता, मन की सुंदरता, विचारों की सुंदरता के बारे में बताया गया है और दूसरे स्टेंजा की अंतिम लाइन में दोनों का कल्पित जो है कंपैरिजन करके उसका कंक्लूजन किया गया है, उसकी तुलना करके परिणाम निकाला गया है कि जो शारीरिक सुंदरता है उससे जो आध्यात्मिक सुंदरता है वो अच्छी है और वही ही रियल ब्यूटी है, वही जो है वो शाश्वत सुंदरता है, सदैव रहने वाली सुंदरता है। तो इस प्रकार से जस्ट वी आर गोइंग टू स्टडी दिस पर्टिकुलर पोयम। ही दैट लव्स अ रोजी चीक और अ कोरल लिप एडमायर्स और फ्रॉम स्टार लाइक आई डज सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स As old time makes these decay, so his flames must waste away. So in a very simple way, he that loved a rosy cheek, he माने वो, that माने जो, loved माने प्यार करता, a rosy cheek माने गुलाबी गालों को, वो जो गुलाबी गालों को प्यार करता, गुलाबी गाल मतलब शारीरिक सुंदरता, और a coral lip, कोरल लिप, लिप माने ओट होता है, चीक माने गाल होता है और लिप माने ओट होता है, कोरल माने मूंगे जैसे, मूंगा एक एक जेम होता है, एक मूंगा होता है तो उसको लाल रंग का होता है तो उसको उससे तुलना की गई है कि मूंगे जैसे ओट। एडमायर्स वो जो गुलाबी गालों से प्यार करता है या मूंगे जैसे होठों की एडमायर्स प्रशंसा करता है, दोनों का मतलब एक है। और फ्रॉम स्टार लाइक आई डज सी और अथवा फ्रॉम स्टार लाइक आई, स्टार लाइक आई माने तारों जैसी आंखों से, सीक आई डज सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, अर्थात वो तारों जैसी आंखों से उस प्रेमाग्नि को कायम रखने के लिए ईंधन खोजता है, ईंधन की अपेक्षा करता है। मतलब ये हो गया कि जो शारीरिक सुंदरता होती है उससे उसके प्रति आकर्षण बढ़ता है और जब वो शारीरिक सुंदरता समाप्त हो जाती है तो उसके प्रति जो आकर्षण है, जो ईंधन है, जो फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, वो मेंटेन नहीं रह पाती, उसके प्रति आकर्षण समाप्त हो जाता है। जो शारीरिक सुंदरता आकर्षण का काम करती है, ईंधन का काम करती है, इसलिए लोग उसके प्रति आकर्षित होते हैं, लेकिन जब उसमें वो सुंदरता नहीं रह जाती है तो वो चीजें समाप्त हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है, ही दैट लव्ड अ रोजी चीक, वन वन हु लव्ड अ रोजी चीक, रोजी माने गुलाबी, चीक माने गाल, तो ये जो है रोजी माने गुलाबी, ये रोजी चीक मींस यहां पर मेटाफर है, मेटाफर मींस इट इज एन इंप्लाइड सिमिली जिसमें लाइक आइज के बगैर जो है उसको डायरेक्ट कह दिया जाए, गुलाब जैसे गाल नहीं गुलाबी गाल, ये उपमा अलंकार है। और मेटाफर रूपक अलंकार है और अ कोरल लिप, अ कोरल लिप, कोरल माने मूंगे जैसे, वही चीज जो है इसमें भी मेटाफर है। एडमायर्स और फ्रॉम स्टार लाइक, स्टार लाइक मींस स्टार लाइक, जहां लाइक और राइज होता है वहां सिमिली होता है, इन ए सिमिली या कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स व्हिच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, तो इनमें कॉमन है, स्टार भी सुंदर होते हैं तो उनकी सुंदरता की तुलना जो है आंखों की सुंदरता से की गई है, तो यहां पर सिमिली है, वेरी ब्यूटीफुल सिमिली यूज्ड हियर।
फ्रॉम स्टार लाक आई डथ सीक, डथ सीक मीन्स द वन हु लव रोजी चीक्स एंड एडमायर्स कोरल लिप्स एंड सीक डथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, द पर्टिकुलर पर्सन सीक्स इंस्पायर इंस्पायरेशन फ्रॉम स्टार लाइक आईज टू मेंटेन हिज फायर्स, टू मेंटेन हिज फायर्स मीन्स टू मेंटेन हिज पैशन टू इंटेंसिफाई हिज लव, वो अपनी प्रेमाग्नि को और बढ़ाने के लिए उसकी शारीरिक सुंदरता से ईंधन आकर्षण रूपी ईंधन प्राप्त करता है। जब आकर्षण होता है तो वो आकर्षण जो है वो किसी सांसारिक प्रेम करने वाले के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो ईंधन का काम करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो सांसारिक चीजें हैं जैसे रोजी चीक्स कोरल लिप्स स्टार लाइक आई दीज आर द सिम्टम्स ऑफ ए फिजिकल ब्यूटी, अ पर्टिकुलर मैन और वुमन कैन बी हैप्पी आउटवर्डली सीन व्हेनेवर ही सी दैट ही हैज अ वेरी रोजी चीक्स आर ए कोरल लिप्स आर हिज आईज आर लाइक अ स्टार, सो दीज आर द थिंग्स दैट अट्रैक्ट द पर्टिकुलर पर्सन, दे जस्ट वर्क लाइक ए फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर मेंटेन हिज अट्रैक्शन टुवर्ड द फिजिकल ब्यूटी एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज एगे। इस चार लाइन में तीन बातें बताई गई, तीन बातों का सिर्फ एक ही मतलब है कि मतलब फिजिकल ब्यूटी, व्हाट इज फिजिकल सांसारिक सुंदरता मटेरियलिस्टिक ब्यूटी, तो जो सांसारिक सुंदरता है वो ऐसी चीज है कि उसको देख करके उसके प्रति आकर्षण पैदा होता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज बिगे बट इन द ओल्ड एज एज द टाइम पासेज दीज बिगे इन द ओल्ड एज आवर फिजिकल ब्यूटी आवर फिजिकल चार्म बिगे, जो हमारी सांसारिक भौतिक सुंदरता है शारीरिक सुंदरता है वो वृद्धावस्था में या समय गुजरने के साथ जो है वो नष्ट हो जाती है। वृद्धावस्था हमारे आकर्षण को हमारी सुंदरता को नष्ट कर देता है। सो हिज फ्लेम्स मस्ट बेसदे, परिणामतः जब उसका आकर्षण खत्म हो जाता है तो हमारी जो प्रेमाग्नि है जो हमारा पैशन है जो हमारी प्रेम की ज्वाला है मस्ट वेस्ट अवे, वेस्ट अवे माने नष्ट हो जाती है समाप्त हो जाती है फेड हो जाती है डिम हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि द पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फिजिकल ब्यूटी एंड सीक्स इंस्पायरेशन फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ द फिजिकल ब्यूटी इन द ओल्ड एज द फिजिकल ब्यूटी पासेज एंड द फ्लेम्स एंड द अट्रैक्शन कम्स टू एन एंड, सो वी डोंट लाइक दीज थिंग्स एज ब्यूटीफुल एज देवर। कहने का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति जो सांसारिक जो भौतिक सुंदरता से प्यार करता है वो समय के साथ वो सुंदरता समाप्त हो जाती है, इसलिए उसके प्रति जो आकर्षण है वो भी समाप्त हो जाता है। तो ये जो शारीरिक सुंदरता है ये क्षणिक सुंदरता है ये सदैव न रहने वाली सुंदरता है, तो हमें जो है वो शारीरिक सुंदरता के प्रति एक सीमा से ज्यादा आकर्षण नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये सब चीजें नश्वर हैं। थ्री द सेकेंड स्टेंजा ऑफ द पोयम द ट्रू ब्यूटी बाई थॉमस कैल्यू। पहले स्टेंजा में शारीरिक सुंदरता के बारे में बताया गया, ये जो दूसरा स्टेंजा है इसमें आध्यात्मिक सुंदरता के बारे में बताया गया है। तो देखते हैं कि इसमें आध्यात्मिक सुंदरता में कौन कौन से गुण बताए गए हैं जो गुण जो भौतिक सुंदरता है उससे अच्छे बताए गए हैं। बट स्मूथ स्मूथ एंड स्टेड फास्ट माइंड जेंटिल थॉट्स एंड कॉम डिजायर्स हर्ट्स With equal love combined, can you never dying fires where these are not I despise lovely cheeks or lips or eyes. So the poet, but a smooth and steadfast mind. Let us discuss in Hindi. But माने लेकिन, लेकिन का मतलब उससे पहले जो शारीरिक सुंदरता के गुण बताए गए थे कि वो लेकिन ये a smooth and steadfast mind, दृढ़ और स्थिर मस्तिष्क, दृढ़ और स्थिर मस्तिष्क मीन्स आवर माइंड, आवर स्मूथ एंड स्टेड
स्टेडफास्ट माइंड, जेंटिल थॉट्स, हमारा दृढ़ और स्थिर मस्तिष्क। जेंटिल थॉट्स माने सुंदर अच्छे विचार, जेंटिल माने उदार माना और थॉट्स माने विचार। एंड काम डिजायर्स, काम माने शांत, डिजायर्स मींस इच्छाएं। तीन चीजें बताई गई जो हम, लेकिन शारीरिक सुंदरता की तुलना में जिसका मस्तिष्क दृढ़ है और स्थिर है, जिसके विचार उच्च हैं और जिसकी इच्छाएं शांत हैं, इच्छाओं में कोई एजिटेशन नहीं है, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, और उसका हृदय समान रूप से प्रेम से परिपूर्ण है। कंबाइंड माने जुड़ा हुआ, मिला हुआ है, जिसका मस्तिष्क जो है स्थिर है और दृढ़ है, जिसमें जो अच्छे विचार वाला है, जो शांत इच्छाओं वाला है, और जिसका हृदय प्रेम से परिपूर्ण है, समान रूप से प्रेम से परिपूर्ण है, वो काइंडली नेवर डाइंग फायर्स, वो इस कभी ना बुझने वाली अग्नि को और प्रज्वलित करता है और स्टिमुलेट उत्तेजित करता है। वेयर दीज आर नॉट, वेयर माने जहां पर, दीज आर नॉट इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट स्टेंजा वेयर द पोएट हैज एक्सप्लेन्ड फिजिकल ब्यूटी, नाउ द पोएट सेज दैट बट आई लाइक द फर्म एंड द स्मूथ माइंड एंड जेंटिल थॉट्स एंड काम डिजायर्स एंड लव फिल्ड हार्ट फिल्ड विद लव, मींस दीज क्वालिटीज आर सुपीरियर टू दोज दैट आर फाउंड इन फिजिकल ब्यूटी। नेवर डाइंग फायर्स मींस दीज क्वालिटीज नेवर लेट्स द फायर एक्सटिंग्विश्ड। Where these are not, where माने जहाँ पर, these are not, what are these are not means these qualities, the main qualities of spiritual beauty, the real beauty, where these qualities are not means poet says that he does not like the physical beauty, he like the spiritual beauty. Beautiful is one who has these qualities. Only physical beauty never matters for a man to be attracted forever. The spiritual beauty is the beauty that attracts the people forever. It is never dying. It is everlasting. So where these are not, जहाँ पर ये सुंदरता नहीं, where there is no spiritual beauty, I despise means I hate, मैं घृणा करता हूँ, किसकी घृणा करता हूँ, means a man may be beautiful, may be physically beautiful, but he is real beautiful when his mind is beautiful, his thoughts are beautiful, his desires are calm, and he is good at heart, means goodness at heart, purity of our heart is the matter that attracts the people towards it always, but the physical beauty is not a real beauty, it is a temporary beauty, it is very short lived. But the physical beauty is a real beauty and it is a permanent beauty. It attracts all the time because the attraction that comes from the goodness of our heart, purity of our character and conduct that always let it keep on burning. Our desires are never going to, our flames of our desires are never going to be extinguished. So, where these are not, where means the beautiful woman or a man who is very beautiful but who is devoid of these spiritual qualities, I don't like them, I hate them. Lovely cheeks, lips or eyes means these are the qualities of a physical beauty. Lovely cheeks, lips or eyes means lips, eyes and cheeks may be very beautiful but they are beautiful only when their mind has these spiritual qualities. The man who is physically very beautiful but he has no the spiritual beauty, his mind is not good, his thoughts are not good, his desires are not good, he can never be happy in his life. So the poet compares with in the two stanza
In the first stanza, he describes about the physical beauty, and in the second stanza, he describes about the spiritual beauty, and at last, he concludes and he gives his personal view about his liking of the beauty. He concludes that where the man or the woman who is devoid of these spiritual beauty, he don't like the lovely cheeks or lips or eyes. So the poet wants to say in this poem, the poet says that the physical beauty is a permanent beauty. It passes because during the passage of time, because the its attraction ceases in the old age. Instead, the spiritual beauty that is based on our quality, the based on our conduct, and the based on our thoughts and behaviors, that will never cease. It will always be giving inspiration. So the poet says that I like spiritual beauty in comparison to the physical beauty, and where the beauty, the spiritual beauty is not present there, I don't like the physical beauty. Means the physical beauty is beauty when it is full of the spiritual beauty, otherwise it is not a real beauty. So physical beauty is very short-lived, and the spiritual beauty a permanent beauty. Thank you.